पूरे विश्व में यह साबित हो चुका है कि आतंकवाद और आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान अपने इन्हीं कारणों के कारण अलग थलग पड़ा है। भारत के अंदर आतंकवादी भेजना, आम नागरिकों की हत्या करना, ये पाकिस्तान की एजेंसियां लगातार कर रही हैं। पर पता नहीं क्यों जम्मू कश्मीर को बर्बादी की तरफ धकेलने वाला अब्दुल्ला परिवार हमेशा ही उनके सपनों में पाकिस्तान आता। अब्दुल्ला साहब, ये 89 नहीं है। जब आप मुख्यमंत्री थे, ये 89 नहीं है जब मुफ्ती साहब देश के गृह मंत्री थे और आपने धधकते ज्वालामुखी की तरह जम्मू कश्मीर को धकेल दिया था, धधकते शोलों पर जम्मू कश्मीर को धकेल दिया था। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अपने नागरिकों की सुरक्षा हम करना जानते हैं। भारत, भारतीयता, राष्ट्रवाद, सनातन, इन पर लगातार घमंडिया गठबंधन हमले कर रहा है, इन्हें अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। जो काम खिलजी नहीं कर पाया, मुगल नहीं कर पाए, तुरक नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, ये घमंडिया गठबंधन से ना सनातन समाप्त हो सकता है, ना भारत, ना भारतीयता, ना हमारा राष्ट्रवाद। अब ये नए तरह की नाजीज्म आ गया है। वीडियोज आ रही है, किस तरह लिस्टें बनाई जा रही है, पत्रकारों की लिस्टें बनाई जा रही, नेताओं की लिस्टें बनाई जा रही। मुंबई की बैठक के अंदर एक गठबंधन ने एक टूल किट तैयार की है जिसके तहत भारत, भारतीयता, राष्ट्रवाद, सनातन, इसको अपमानित करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उसके तहत, एक नाजीज्म के तहत, ये नए हिटलर घमंडिया गठबंधन में आए हैं जो लिस्टे बनाकर, हिट लिस्ट बनाकर काम कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और देश की जनता का आशीर्वाद गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जिन्होंने भारत की चमक व धमक पूरे विश्व के अंदर बिखेरी है। पूरा भारत मोदी जी के साथ।